हमने पिछले वीडियो में जाना था कि अंकों का विवरण किस प्रकार से होता है और किसमें कितने नंबर दिए जाते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यह हमारा प्रश्न जो है जो 2018 में जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित की थी उसका प्रश्न है। हम उसके हिंदी के प्रश्न को देखते हैं और उसका उत्तर भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो आपका है यहाँ पर दे रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 500 से कहते हैं 500 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखना है, जो कि 30 अंक का है। आप सभी को पता होगा कि हिंदी बस क्या है, क्वालिफाइंग रहता है, जिसमें आपको 30% नंबर लाने होते हैं, यानी 30 नंबर लाने होते हैं, और 30 नंबर का क्या आपका एक निबंध ही है। तो कोशिश करेंगे आप निबंध में जो है 20+ नंबर लाने के लिए, ताकि आपके क्वालिफाइंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन से विषय थे जिस पर हमें निबंध लिखने के लिए दिया गया था। पहला हमारा विषय है नारी शिक्षा का महत्व, दूसरा है स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं, और तीसरा है जीवन में गुरु का स्थान। तीसरा टॉपिक क्या था, जीवन में गुरु का स्थान, और चौथा टॉपिक था मेरे सपनों का भारत। अलग क्या था, मेरे सपनों का भारत, और पांचवा आपका टॉपिक था मेरी प्रिय पुस्तक। देख इतने सारे टॉपिक दिए, आसानी से इस पर आप निबंध लिख सकते हो। अगला पर क्या था, निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। तो इसमें आसानी से आप मेरी प्रिय पुस्तक या मेरे सपनों का भारत, जीवन में गुरु का स्थान, इस पर आसानी से आप निबंध लिख सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि क्या होता है, इसमें एक अवतरण दिया जाता है, यानी कि कुछ एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसको पढ़ करके आपको एक तिहाई शब्दों में उसका सार लिखना है, और उसको एक उपयुक्त शीर्षक देना है, जो कि आपका क्या होता है 15 नंबर का रहता है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा है कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा होता है। एक कंटेंट दिया रहता है जिसको हमें पढ़ना होता है, और पढ़ करके इस पर एक उपयुक्त शीर्षक देना होता है। शीर्षक दे करके इसका हम संक्षेपण करते हैं। चूँकि ये मुझे पूरा उपलब्ध नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं दे पाया इसमें, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। अगला हम देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर क्या होता है, 10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, एक क्वेश्चन हमारा एक नंबर का रहता है, इसको आसानी से आप शुद्ध कर सकते हैं। ये हम देख लेते हैं। पहला हम कह रहा है कि यहाँ पर कि देश में अनेकों नेता हैं। देखिए अनेकों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अनेक नेता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देश में अनेक नेता हैं। आपको करना क्या है, बस ये अनेकों को अनेक कर देना है, आपका इसमें एक नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मैं यह निबंध नहीं लिखा है। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं कभी नहीं होता है, क्या होता है, मैंने होता है। तो यहाँ पर जाएगा मैंने यह निबंध नहीं लिखा है। अगला कह रहा है कि मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कसरत कर रहा हूँ, कसरत नहीं होता है। गाने का हम लोग क्या करते हैं, गाने का अभ्यास करते हैं, गाने का रियाज करते हैं। तो यहाँ पर जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है, या ये भी आप लिख सकते हैं मैं गाने का रियाज कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। कि शोक शब्द जो होता है यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर दुख होगा, दुख है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक शब्द जो है ये बहुत ज़्यादा वैसे कंडीशन में प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़ा वगैरह हो, किसी के कह सकते हैं कि मृत्यु वगैरह पर शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें कहना है कि आपने कोई उत्तर नहीं दिया था, दुख है कि आपने मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। इसका आपका आंसर होगा कि लड़का भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया, ये इसका सही होगा, लड़का भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया। और कह रहा है कि मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा देखी। यहाँ पर देख ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या की हो जाएगा, मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, आपका आंसर हो जाएगा मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि मैंने एक वर्ष तक उसकी राह देखी। अगर आप देखी मतलब रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा की जगह राह कर देंगे, मैंने एक वर्ष तक उसकी राह देखी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैंने एक वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा की, ये आपका दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है। तो यहाँ पर एकाध बातें नहीं, यहाँ पर ऐसी कुछ बातें, इसका आंसर होगा ऐसी
कुछ बातें और देखने में आती है। एकाध की जगह मुझे कुछ लगा देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें, यह गलत है, सही यह होगा आप ही यह बताने की कृपा करें, क्योंकि ऑलरेडी कृपा आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो दो दो जगह हम कृपया शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें कृपा शब्द का प्रयोग एक जगह ही करना है, आप ही यह बताने की कृपा करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंत में उसने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया, तो यहाँ पर किया नहीं होगा, यहाँ पर किए होंगे, ताकि हमें रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अंत में उसने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किया, आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं, जो ये क्या है 15 नंबर का है। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों में से किन्हीं 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसी 5 का उत्तर आपको लिखना होता है, एक क्या होता है, एक आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि आपको 15 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। पहला कह रहा है अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को देने से मना करना या अभिमान पूर्वक इनकार करना, ये तो इसका मतलब हो गया। आप कह रहा है कि वाक्य में प्रयोग करना, इसे क्वेश्चन में कह रहा था ना यहाँ पर कि इसका अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यों में प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं, इसे मतलब आपको पता चल गया, किसी वस्तु को देने से मना करना या अभिमान पूर्वक इनकार कर देना। जैसे कि आप कह सकते हैं ना कि मैंने रवि से BPSC मेंस का नोट्स मांगा, लेकिन उसने अंगूठा दिखा दिया, यानी कि अंगूठा दिखा दिया कि उसने मना कर दिया, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है मतलब निकालना या अपना प्रयोजन सिद्ध करना, यानी कि आपको अपना काम है तो क्या करेंगे, आप अपने काम के लिए किसी के पास जाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, लेकिन जैसे आपका काम निकल गया तो फिर क्या करेंगे, वहाँ से आप हट जाएंगे, तो उसी को कहा था अपना उल्लू सीधा करना। जैसे कहेंगे ना कि जैसे रोहित का जो काम हो गया, तो काम जैसे कि रोहित अपना मतलब अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वो आपके पास किसी काम के लिए आए, जैसे उसका काम निकल गया तो वो फिर वापस चला गया, तो यहाँ पर हम कहते हैं उसके प्रयोग करते हैं अपना उल्लू सीधा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि ऊपरी दिखावा करना। अगला है कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कोई विशेष प्रयासना करके केवल कागजी कार्रवाई करते रहना, खासकर ये हमारे सरकारी विभाग में सब ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें क्या होता है कागजी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है, तो वही कहा था कोई विशेष प्रयास तो नहीं होगा, लेकिन कागजी कार्रवाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। खैर उनका वो अपना सिस्टम, एक तरीका है काम करने का। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि 2 गुना लाभ। देखिए आप यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना लाभ, क्योंकि हिंदी का पेपर है ना, तो आप कोशिश करेंगे हिंदी के ही शब्दों का प्रयोग करने के लिए, तो आप लिखेंगे 2 गुना लाभ, आम के आम यानी कि गुठलियों के दाम। अगला है यहाँ पर चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी दोष या कमी का ना दिखना, होता है ना लोग कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा रहता है, कि हमारी जो अपनी कमी है, हमारी जो गलती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम दूसरों में तुरंत क्या करते हैं, कमी देखने लगते हैं। अगला है गुदरी का लाल, यानी कि गुदरी का लाल का मतलब होता है साधारण घर में जन्मा असाधारण गुणी या प्रतिभावान बालक। देखिए गुदरी का लाल शब्द का प्रयोग अक्सर आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे, कहते होंगे कि गुदरी का लाल ने किया कमाल, यानी कि एक साधारण घर में सिंपल परिवार में जन्मा यदि कोई वैसा बालक जो अपने गुण या प्रतिभा के कारण कोई बेहतरीन काम करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं गुदरी का लाल। अगला कह रहा है मुँह की खाना, यानी कि विपक्षी या विरोधी द्वारा अपमानित या परास्त होना, यानी कि कह सकते हैं कि हार जाना, उसे मुँह की खाना कहते हैं। तूती बोलना, यानी कि प्रभावशाली होना, लोग बोलते हैं ना कि जैसे कि मान लीजिए हम कोई कहते हैं कि किसी जमाने में तो जो है इस इलाके में इस पार्टिकुलर व्यक्ति की तूती बोलती थी, यानी तूती बोलने की उसका अपना प्रभाव होना, उसकी प्रभावशीलता होना, ठीक है। अगला कह रहा है कि सिर उठाना, यानी कि विरोध करना, सिर उठाना है किस काम के लिए, जिसे आप कह सकते हैं कि मजदूरों ने जो है फैक्ट्री मालिकों के प्रति सिर उठा दिया, यानी कि फैक्ट्री मालिकों के प्रति उन्होंने क्या किया, विरोध जताया, तो इस तरह से हम वाक्य में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि
संज्ञा की परिभाषा लिखकर उनके भेदों पर सोदाहरण प्रकाश डालिए। जैसे याद होगा पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में हमने क्या पूछा था, सर्वनाम पूछा था, और यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर संज्ञा पूछ रहा है। यानी कि आप संज्ञा सर्वनाम जितने भी चीज़ें हैं उनको आप एक बार देख लेंगे तो यही क्वेश्चन जो है क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिसमें आपको 10 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। 10 में से आप यदि 6 से 8 भी लाते हैं तो आप हिंदी का पेपर आसानी से क्वालिफाई हो सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। आप कह रहे हैं संज्ञा की परिभाषा लिखना है और इसके जो भेद हैं उसको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे संज्ञा जो है उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम हो गया उसको हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। जैसे कि प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में क्या हो गया, जैसे मोर, घोड़ा, कोई भी व्यक्ति हो गया, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे हम हो गए, हमारा भी अपना एक नाम है, आपका भी अपना एक नाम है, तो सभी क्या, हमें सभी एक संज्ञा है, ठीक है। तो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भी जैसे कि वस्तुओं के नाम, जो भी हमारे आसपास जो वस्तुएँ हैं, जैसे कि अनार, रेडियो, किताब, संदूक, स्थानों के नाम, कुतुब मीनार, यहाँ पर कुतुब मीनार होगा, कुतुब मीनार, कोई भी नगर, भारत, मेरठ इत्यादि। भावों के नाम जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास, ये सभी क्या है, सभी ये संज्ञा के रूप हैं। संज्ञा, ये सभी चीज़ें क्या हैं, संज्ञा हैं। आगे हम देख लेते हैं संज्ञा के कितने, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है दरवाचक संज्ञा। ये 5 हो गए। अब 5ों को भी आपको 2 लाइन में डिफाइन करना है ताकि वहाँ पर परीक्षा को लगे कि आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से जानते हैं और आपको तभी आपको इसमें नंबर ही मिल पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कह रहा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम कहते हैं कि सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी कहते हैं तो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक कांग्रेस के सचिव, कांग्रेस के फेमस लीडर का बोध होता है सोनिया गांधी का। हम कहते हैं राहुल गांधी, हम कहते हैं नरेंद्र मोदी, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हमें बोध होता है, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे नाम है हरी, सुरेश, सचिन, हम कहेंगे सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर क्या, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, उस व्यक्ति का बोध होता है, तो इसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह वस्तु के नाम में भी ले सकते हैं, कार, टाटा चाय, गीता, कुरान, रामायण, इससे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर वस्तु का बोध हो यहाँ पर हो रहा है, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम कहते हैं लड़का, तो हम लड़का बोले तो ब्रह्मांड में जितने भी लड़के हैं सबका बोध हो रहा है, पशु, पक्षी, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़, इसे क्या है, सभी एक जाति का बोध हो रहा है, पर्टिकुलर नाम का बोध नहीं हो रहा है। हमने पहले एग्जाम्पल आपको बताया, हमने कहा सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये सब क्या है, पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध हो रहा था, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं लड़का, हम यहाँ कहेंगे राजनेता, हम यहाँ कहेंगे नेता, ये सब क्या होता है, सारे नेता का बोध हो रहा है, लेकिन नेता में हम कहेंगे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार कहते हैं तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं बिहार के सभी नेता या बिहार के नेता, तो बिहार के जितने भी नेता हैं उनका बोध होगा इसमें। तो ये तो आपका जातिवाचक संज्ञा, हम आगे देख लेते हैं। अगला कह रहा है भाववाचक संज्ञा, यानी इसमें क्या होता है, जिससे हमें, जिसे नाम से स्पष्ट है, इसमें भाव का पता चले, लेकिन थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, ये सब क्या है, जितने भी शब्द हैं इससे हमें भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे इसे भाववाचक संज्ञा। जिसे हम कहते हैं थकान, तो थकान से क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नाम का, किसी जाति का बोध नहीं हो रहा है, हमें किसी भाव का बोध हो रहा है कि व्यक्ति बहुत थका हुआ है, उसे अब आराम की ज़रूरत है। हम कहते हैं मिठास, बुढ़ापा, तो एक क्या है, पर्टिकुलर भाव का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। चौथा हमारा है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि वह शब्द
जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह होने का बोध हो उन्हें हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को जो है समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसे आप चाहें तो नोट आउट करके एग्जाम हम लिख सकते हैं, नोट में लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं झुंड, मेला, परिवार, दल, सेना, कक्षा, भीड़, पुस्तकालय, इन सभी से क्या होता है हमें एक समूह के होने का बोध होता है। हम कहेंगे क्लास, कक्षा, कक्षा कक्ष, तो कक्षा कक्ष में तो बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, टीचर भी हैं, बहुत सारे वस्तुओं का वहाँ पर समूह है। मेला हम कहेंगे तो मेला में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें बिकती रहती है, तो वहाँ पर एक समूह का बोध हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, इसे फिर समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। अगला हमारा है दरवाचक संज्ञा, यानी कि वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं दरवाचक संज्ञा। दरवाचक संज्ञा क्या होती है, अगणनीय होती है, यानी कि इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, बस इन्हें क्या कर सकते हैं तौल या माप सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं दरवाचक संज्ञा। अब दरवाचक संज्ञा में ये नहीं हुआ कि जो बस लिक्विड हो, इसमें वैसी चीज़ें भी आएगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए कि लोहा, चीनी, चीनी को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए भी क्या है आपके दरवाचक संज्ञा में आएगा। कोयला, तेल, घी, पानी, ये सभी हमारे किस में आते हैं दरवाचक संज्ञा में आते हैं, फल सब्जी सभी इसी के अंतर्गत हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि इसके पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछ रहा है, इसमें ये भी क्या एक नंबर का प्रश्न है जिसमें आपको पाँच नंबर मिलेंगे। पहला है आकाश, तो आकाश के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं, अंबर होता है, नभ होता है, दो ही लिखने हैं आपको, अंबर और नभ दो काफ़ी है। कमल, पंकज, जलज, देखिए कमल जो है मैंने कल भी बताया था आपको, कम कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, जैसे कमल हो गया, आकाश हो गया, ये हमेशा जो है हर बार रिपीट होंगे, ये सब आपको याद रखना है। पंकज होता है, जलज होता है, और ये बहुत होता है, लेकिन आपको हमें यहाँ पर दो ही मेंशन करना है। अगला है तालाब, सरोवर, नदा का, जलाशय, ये सब क्या है इसके पर्वचारी शब्द हैं। पुत्र को सूत बोलते हैं, बेटा होता है, पुत होता है, आत्मज होता है, सब क्या होता है पुत्र के सभी पर्वचारी हैं, साइनोनिम्स है। नेक्स्ट हमारा क्या है पृथ्वी, इसको कहते हैं धरती, धरणी है, देखिए पृथ्वी भी कल के वीडियो में पूछा गया, भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर। अगला है रात्रि, यानी कि निशा, रात, राका, ये सब क्या होते हैं रात के पर्वचारी होते हैं। समुद्र, सागर, जलधि, सिंधु, रत्नाकार, नीरनिधि, ये सभी क्या है समुद्र के होते हैं। और भी इसमें है बहुत सा दिया हुआ है, लेकिन हमें इसमें क्या कहता है पांच ही आपको आंसर देने हैं, हमने यहाँ पर पांच से ज़्यादा आपको बता दिया है, बस आपको पांच आपको याद रखना है। और भी इसमें है सिंह है तो इसको शेर केसरी बोलते हैं, ऐसे सागर के समुद्र के बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर, बहुत सारे होते हैं, आपको दो ही देना है, उतना आपको ध्यान देना है। कपड़ा का होता है पट, चीर, अंबर, गणेश का, विनायक, एक दंत। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर एक आपको वाक्य दिया हुआ है, उसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना है, और क्या क्या है ना उससे एक वाक्य में वाक्य बनाना है इसको। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि जिसे चार भुजाएं हैं, जिसे चार भुजा उन्हें क्या कहेंगे, हम कहेंगे चतुर्भुज, यानी कि चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन होते हैं हमारे गणेश जी होते हैं, तो ये जिनकी चार भुजा उन्हें क्या कहेंगे हम चतुर्भुज कहेंगे। जिसके हृदय में दया नहीं हो उसे कहते हैं निर्दयी, जिसके हृदय में दया नहीं उसे कहेंगे हम निर्दयी, ठीक है। अगला है आप कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पांच सामाजिक पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए, ये भी आपके पांच नंबर का प्रश्न है, बस समास पूछ रहा है, जिसमें मैंने कल भी आपको बताया था कि समास से प्रश्न आते हैं उसको आपको देख लेना है, बस यहाँ इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। बाकी आप समास का वीडियो बाकी आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा या खुद से हिंदी के व्याकरण से पढ़ लीजिएगा। सेनापति, सेनापति होता है तत्पुरुष समाज। नील गाय का नहीं मिला है आप, इसका अगर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
त्रिलोक, इसका होता है द्विगु समाज। वीणा पाणी, वीणा पाणी क्या है, बहु व्रीही समाज। राम कृष्ण, यह है द्वंद समाज। माँ बाप, ये भी है द्वंद समाज। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय क्या है, कर्म धार्य समाज। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं दुरागत का आप क्या होगा कमेंट कर सकते हैं। यथाकर्ज, आजन्म, अब ये भी क्या है, अवैध समाज है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पांच प्रत्ययों को चुनकर प्रत्येक से दो दो शब्द बनाइए। इसमें क्या करना है, किसी पांच को चुनना है और इसे दो शब्दों का आपको निर्माण करना है। ये भी आपके पांच नंबर के हैं। जैसे आप क्या वाला, तो वाला सब क्या क्या बना सकते हैं, दूध वाला, साइकिल वाला, चाय वाला, मत वाला, यानी कि बहुत सारे शब्दों का निर्माण यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर तीन बनाया है, और भी आप चाहें तो बना सकते हैं, दो ही, चूँकि एग्जाम में दो ही लिखना होता है। अगला है दार, दार से क्या बनेगा, चौकीदार, ईमानदार, खुददार, ये सब दार से हो जाएगा। आई, आई से क्या होगा, महंगाई, विदाई, जुदाई, ये सब क्या आप आई से बना सकते हैं। अगला कह रहा है आहट, आहट से घबराहट, हिचकिचाहट, ये तो घबराहट दो बार हो गया, दो ही आपको बनाना है, घबराहट और हिचकिचाहट। अगला क्या है आवट, आवट से बना सकते हैं बनावट, दिखावट, फिर आवा है यानी कि पहनावा, दिखावा। फिर एक कह रहा है पन, पन क्या है, अपनापन, बचपन। तो इस आपको पांच ही बनाना था, एक है और एक से क्या धार्मिक, सात्विक, तो ये चीज़ें आपको बनाना है। तो आज के वीडियो में जो है हम हिंदी के जो आपके जो प्रश्न होते हैं बीपीएससी सामान्य हिंदी का, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यह हमारा दूसरा वीडियो था। हम चूँकि आप ये समझ गए होंगे कि सामान्य हिंदी में जो है बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह हमारा दो वीडियो कम्प्लीट हो गया। हम कल से जो है आपके लिए जो इसके और पेपर हैं यानी कला का इतिहास और कला प्रबंधन, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, और GS1 GS2 के लिए भी क्लास अगले महीने से संभवतः शुरू हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।